अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए बच्चों, अब हम हमारे सबक के मौजू पर रोशनी डालते हैं। हमारा पॉइंट है तहरीक क्यों। समाज के तमाम अफराद के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो सियासी पार्टियों में शामिल होकर आम मफादात के लिए काम करें। बाज़ अफराद किसी एक मसले पर अपनी तवज्जो मरकूज करके इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। इस मसले के खात्मे के लिए लोगों को मुनज़्ज़म करके हुकूमत पर किसी काम को करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करते हैं। मुसलसल सरगर्म अमल रहकर इस मसले के ताल्लुक से अवामी राय आम्मा हमवार करके सियासी पार्टियों और हुकूमत पर दबाव डालते हैं। इस इज्तिमाई अमल को तहरीक कहते हैं। जमहूरियत में तहरीकों को बड़ी अहमियत हासिल है। तहरीक के जरिए मुख्तलिफ अवामी मसाइल जेरे बहस आते हैं। हुकूमत को इस मसले पर तवज्जो देना पड़ती है। हुकूमत के बाद फैसलों या पॉलिसियों की मुखालिफत करने के लिए भी तहरीक चलाई जाती है। मजम्मत या मुखालिफत करने का हक, राइट टू प्रोटेस्ट, जमहूरियत में एक अहम हक है, लेकिन इसका इस्तेमाल इंतहाई सब्र व तहम्मुल के साथ हुदूद में रहते हुए और जिम्मेदाराना तरीके से किया जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखे तहरीक क्यों।